दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। इस गिरोह की 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया था, उसे सूचना पत्र देकर छोड़ दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से 27 मोटरसाइकिल सहित करीब 9,90,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस गिरोह का नागपुर जिले के अलावा विदर्भ के अन्य जिले में भी नेटवर्क फैला होने की जानकारी सामने आई है। इस गिरोह में 30 टीमें काम करती हैं। एक टीम मोटरसाइकिलें चुराने का काम करती है, दूसरी टीम चोरी की मोटरसाइकिलों को अपने ही साथियों से खरीदने की नौटंकी करती है, तीसरी टीम फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी की मोटरसाइकिलों को विदर्भ और मध्य प्रदेश में ले जाकर बेचने का काम करती थी। इस गिरोह के पकड़े जाने से मोटरसाइकिल चोरी के कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। अपराध शाखा पुलिस विभाग की यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद सालुंके और सहयोगियों ने कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागरा चौक डिप्टी सिग्नल कलमना निवासी बसंत अड़मैया की 11 सितंबर को घर के सामने रखी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। उन्होंने कलमना थाने में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत की। कलमना पुलिस और अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 5 ने संयुक्त रूप से मामले की छानबीन शुरू की। यूनिट 5 ने गुप्त सूचना के आधार पर दोपहिया वाहन चोरों के गिरोह में शामिल आरोपी सचिन बालकृष्ण शभनकर, आशीष रमेश खरसंग भीवापुर, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अकबर हुसैन इस्माइलपुरा कामटी नागपुर, उमेश उर्फ बारिक शिवाजी रणदीवे नेहरू वार्ड गोसे बुजुर्ग भंडारा और अंकुश सतीश लखेरा अंबेडकर वार्ड बालाघाट मध्य प्रदेश निवासी को धर दबोचा। आरोपी अंकुश लखेरा नागपुर स्थित तकिया धनतोली में किराए के मकान में रहता था। आरोपियों ने कलमना धनतोली पांच पावली नंदनवन पार्डी यशोधरा नगर सीताबर्डी गणेशपेट जूनी कामटी मोदा और वेलतुरा थाना क्षेत्र से 27 मोटरसाइकिल चोरी की। इस साल की अपराध शाखा पुलिस की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी सचिन और आशीष चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने का काम करते थे। आरोपी उर्पेश उर्फ बारिक अंकुश और एक नाबालिग मोटरसाइकिलें चुराने का काम करते थे। आरोपी मोहम्मद जाकिर हुसैन चोरी के वाहन के चैचिस और इंजन के ओरिजिनल नंबर को घिसकर मिटाने का काम करता था, उसके बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी के वाहनों को खुद की बताकर बेचा करते थे। आरोपी सचिन और आशीष को पुलिस ने भीवापुर में चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूमते पकड़ा, उसके बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। हाँ बरोबर आहे, आमच्या युनिट 5 ने एक मोठी कामगिरी केलेली आहे। कडमना पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल होता मोटरसायकल चोरीचा 703/21। तर आमचे युनिट 5 चे API गोसावी यांना गुप्त बातमी भेटली की ही गाडी कोणी चोरली। मग त्यांनी त्या बातमीचा फॉलोअप घेतला। भिवापूरवरून 2 आरोपी आपण ताब्यात घेतले आणि त्यांनी कबुली दिली आणि ती गाडी आपण त्यांच्याकडून रिकवर केली आणि त्या गुन्ह्यात त्यांना अटक करून आपण पोलीस कस्टडी रिमांड घेतला। पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये त्यांना विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता त्यांनी अजून सांगितलं की आमच्यासोबत इतर 4 आरोपी आहेत, असे हे टोटल 6 आरोपी आपण अटक केले आणि 6 आरोपींकडून आपण 27 मोटरसायकल ह्या जप्त केलेल्या आहेत। 27 मोटरसायकलमध्ये विविध पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत। तर त्याच्यात धनतोलीला 7 गुन्हे आहेत, 5 पावलीला 4 गुन्हे आहेत, नंदनवनला 3 गुन्हे आहेत, मग बर्डी पारडी गणेशपेट गिट्टी खदान आणि नंतर जुनी कामठी, परत मौदाचा एक गुन्हा आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।